ग्राम भाडेसर में हाइब्रिड राजहंस भवन बत्तख पालन से हो रही किसान की आय दोगुनी। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत भाडेसर के युवा किसान दिनेश किरण ने बत्तख पालन से ही रोजगार पाने का अच्छा खासा आमदनी कर लिया। वहीं युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बना। बत्तख पालने से महज साल भर में ही लाखों की कमाई हो गई। दिनेश किरण ने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में वहां केवल 2 बत्तख से शुरुआत की थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं नुकसान का सामना न करना पड़े। लेकिन जो बत्तख के पालन शुरुआत की थी, उसका अच्छा खासा परिणाम देखने को मिल रहा है। आज और बत्तखों की संख्या लगभग 60 से 70 की हो गई है, जिसे दिनेश कुमार किरण को अच्छा आमदनी होने लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुर्गी पालन के लिए सोच रहा था, लेकिन देखा तो आसपास गांव में मुर्गी पालन किया ज़्यादा स्तर हो रहा था। मैं अच्छा आमदनी के तहत बत्तख पालने के लिए सोचा और मैं सही साबित हुआ और बत्तख के अंडों से अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। वहीं बत्तख के चुज्जू के नग 250 से 300 रुपये तक बिक्री कर रहा हूँ, जिससे मेरे आय में बढ़ोतरी हो रही है। मेरे पास बत्तख के 2 नस्ल हैं, एक देसी दूसरा मोती बत्तख। मोती बत्तख की खासियत यह है कि वह अपने अंडों की स्वयं ही पालन पोषण करता है और देसी नस्ल की बत्तख के अंडों को देसी मुर्गी या मशीन के माध्यम से उसके अंडों को सेवन के लिए दिए जाते हैं, जिससे उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। पहले मैं ये मुर्गी फार्म रखा था, लेकिन उससे खर्च ज़्यादा आया, देखभाल इत्यादि तथा मुनाफा नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं बत्तख पालन की पहले शुरुआत की और प्राथमिकता दी और अच्छा आमदनी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। 1 महीना तक अंडा देते हैं, अंडा दे के बाद वो वहाँ खुद अपने हंसे बैठी एक जो माई हिते है और वह 1 महीना बाद वो अंडा ला खुद वह फोड़ी। 1 महीना तक बैठे रही, 1 महीना तक पूरा वाला फोड़ी, फोड़ ली तहाँ खुद वह जैसे मुर्गी है चरा थे ना, देसी मुर्गी है उसने वो खुद चरा थे और चरा के वह कहते अपन बच्चा ला बढ़ाते। ओकर बाद वो बच्चा है 3 महीना में वो बच्चा फिर हो माई बन जाही, यानी कि बाढ़ जाही पूरा। तर बाद बच्चा मन फिर सब अंडा दी, सब फिर अंडा दी तो मन फिर वही उहू मन उसने अपन सेव बैठ तो मन फिर मन अपन बच्चा निकाली तो उसने उसने में बहुत ज़्यादा एम प्रॉफिट ज़्यादा है। मैं मुर्गी भी पाल रहे हैं तो मुर्गी ले मोला एम ज़्यादा प्रॉफिट लगी से। और जो देसी बदक भी है मोर करा, तो देसी बदक के खासियत है वो अंडा दे देते, अंडा दे के छोड़ देते, वो सेवा ही नहीं है, वो बच्चा नहीं निकाला खुद। तो वो बदक वो खाली अंडा वस के काम थे और हमन करा तो अब मुर्गी ला सेवाबो तो पर ही, नहीं तो मशीन में फूटी तो हमन करा मशीन वशीन के साधन नहीं है, कहाँ हमन उसका खर्चा ला करे सकते मशीन वशीन के। तो ये बदक में ये बदक के मेन नाम है मोती बदक, मोती बदक के प्रजाति से जाने जाते ला। और तो उम्र करा 2 प्रकार के बदक है, मोती बदक और देसी बदक। तो देसी बदक मन तो तालाब में चले जाते हैं और ये बदक मन ऐसे घरे मरी जाते, थोड़ा थाड़ा सूखा वोखा पानी वानी थोड़ा थाड़ा घर के बोर और के पानी रखे मरी जाते हैं, तो उसका ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आता।